पटोदी खानदान की बहू और सैफ की बेगम करीना कपूर खान इन दिनों अपने प्रेगनेंसी फेज पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं। करीना अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जहां वो अपने बेबी बम के साथ हर फोटो में खुश नजर आ रही हैं। लेकिन अचानक अब बेबो को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब शाहिद और करीना एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। बता दें कि दरअसल करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें करीना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ है। ये तस्वीर उनकी और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट के सेट की है। बता दें, जब वी मेट की रिलीज को 13 साल पूरे होने पर इस खुशी के मौके में करीना ने एक तस्वीर को शेयर किया। इन दोनों स्टार्स के अलावा इस फोटो में फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली वो भी नजर आ रहे हैं। तीनों साथ में बैठे मास्टर कैमरा मॉनिटर पर कोई सीन चेक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस फोटो के साथ करीना ने फिल्म से अपना एक डायलॉग भी कैप्शन में लिखा है, जो कि इस तरह है, मुझे तो लगता है कि लाइफ में जो कुछ इंसान रियल में चाहता है एक्चुअल में उसे वही मिलता है। वहीं आपको बता दें कि करीना ने अपने पोस्ट में शाहिद और इम्तियाज अली को भी टैग किया है। फिल्म जब वी मेट करीना की बेहतरीन फिल्मों से एक मानी जाती है। यही वो फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान ही इनके रियल लाइफ लव का द एंड हो गया था, क्योंकि करीना उन्हीं दिनों में सैफ अली खान के साथ फिल्म टशन की शूटिंग भी कर रही थी। टशन के सेट पर ही करीना और सैफ नजदीक आए थे। दोनों की नजदीकियां करीना और शाहिद के ब्रेकअप की वजह बनी थी। करीना और शाहिद इस फिल्म के बाद फिर कभी किसी फिल्म के में एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन अब करीना ने ये फोटो शेयर कर ये जाहिर कर दिया है कि वो पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि जब शाहिद कपूर और करीना कपूर रिलेशनशिप में थे तो वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे, और रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद और करीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यहाँ तक कि शादी तक करने वाले थे। लेकिन वजह रही सैफ अली खान। सैफ अली खान के जिंदगी में आने के बाद करीना कपूर पूरी तरह से बदल गई, और आज वो सैफ अली खान के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वहीं शाहिद कपूर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। शाहिद कपूर ने भी शादी एक आम लड़की मीरा से की है, और आज उनके लाइफ में उनके बच्चे भी हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।